हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भूमिकाज किचन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी डिलीशियस फ्रूट केक, जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी दोनों का इस्तेमाल किया है और ये घर की चीज़ों से बनाया है, बहुत टेस्टी है। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आइए इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। फ्रूट केक बनाने के लिए हम यहाँ जो भी इन्ग्रीडियंट्स लेंगे वो सब रूम टेम्परेचर पर लेंगे। यहाँ मैंने हाफ कप दही ली है और दही को मैं अच्छे से फेंट लूँगी। अगर आपने दही फ्रिज में भी रखा है तो उसे निकाल कर आधा से एक घंटे के लिए छोड़ दीजिए, जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो ही उसका इस्तेमाल कीजिए। और जो भी ड्राई इन्ग्रीडियंट्स लेंगे उन सबको हम स्टैंड करके छान के इस्तेमाल करेंगे। ये मेरी 1/3 कप चीनी है, मैंने इसे पीस लिया था मिक्सर में, और इसे हम अच्छे से छान लेंगे। इसका जो मोटा पार्ट होगा वो निकल जाएगा और इसे भी अब मैं दही के साथ अच्छे से फेंट लूँगी ताकि इसमें कोई गांठ ना हो और ये अच्छे से एयर थोड़े डेवलप हो घोल में। यहाँ मैं 1/4 कप रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसमें कोई फ्रेगनेंस, कोई खुशबू ना हो, वरना केक में भी एक खुशबू आ जाती है अलग सी, तो इसका ध्यान रखें। इसके अलावा आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और तेल को भी अच्छे से इनके साथ फेंट लें। यहाँ मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया है और इसे भी इसके साथ अच्छे से मिला लूँगी। केक का फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ 1/4 टीस्पून नमक डाला है, इससे केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं यहाँ इसको ब्रिटानिया केक की तरह टेस्ट देने के लिए 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाला है और इसे भी मैं अच्छे से इसके साथ मिला लूँगी। और इस बात का ध्यान रखें कि बेटर को जब भी मिलाएं एक साइड से मिलाएं और बेटर में कोई लम्स ना पड़े और अच्छे से मिक्स करें। जैसा कि आपको मेरे वीडियो में दिख रहा होगा कि मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और एक साइड से ही अपना एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज ही अपना हाथ चलाएं। अब जब तक हमारा बेटर तैयार हो रहा है, हम कुकर या कढ़ाई जो इसमें भी आपको केक बनाना है उसे प्री हीट करने के लिए रख दीजिए। आज मैं कढ़ाई में बना रही हूँ तो मैं स्लो टू मीडियम फ्लेम पे अपनी कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख दिया है। यहाँ मैं 1 कप मैदा ले रही हूँ, मैं मैदा को भी छान लूँगी। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे उन सबको हम स्टैंड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अपने मैदा को भी छान लिया और अब मैं इसे कट एंड फोल्ड मेथड से आराम से धीरे धीरे करते हुए अच्छे से इन्हें मिक्स कर लूँगी और इन्हें एक साइड से ही मिक्स करूँगी। और कट एंड फोल्ड मेथड बेस्ट होता है इन्हें फ्लफी बनाने के लिए और इनमें के अंदर एयर डेवलप करने के लिए। और ऐसे ही करते हुए मैं अपने मैदे को अच्छे से मिला लूँगी। और फिर से हमें ध्यान देना है कि यहाँ भी मैदे या दही चीनी के घोल में कोई भी लम्स ना पड़े। आप अगर कट एंड फोल्ड मेथड से मिलाते हैं तो बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, कहीं भी ऐसा नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ ये कैसी है, हमें ऐसा ही बनाना है। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रखे हैं, काजू बादाम किशमिश और थोड़ी सी चेरी जो टूटी फूटी उसको कलरफुल। यहाँ मैं 1 टीस्पून आप कॉर्नफ्लोर ली हूँ, आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे लेकर हम ड्राई फ्रूट्स और चेरी में मिला देंगे। इसे मिलाते इसलिए हैं ताकि ये सेपरेट अलग अलग हो जाए, चिपकेंगी नहीं और केक में भी अंदर जब जाएंगी तो ये बैठ नहीं जाएंगी बैटर में। इनमें ये मिले हुए पाउडर की वजह से ये अलग अलग रहेंगी। यहाँ मैं अपने केक मोल्ड को भी ग्रीस कर लूँगी थोड़ा सा तेल डाल के। और यहाँ मैं किसी भी बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि सबके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं होता, नहीं मिल पाता। अब मैं अपने बैटर में अपने ड्राई फ्रूट्स और टूटी फूटी को डाल दूंगी और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इन्हें बहुत बराबर चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलने की वजह से ये एक जगह नहीं बैठेंगे, अलग अलग केक में भी हमें दिखेंगे। और देखिए मैं कट एंड फोल्ड मेथड के से इन्हें अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब हम यहाँ 1/4 कप दूध लिए हैं, दूध को एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इस मिक्स को अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये मिश्रण हमारा बहुत ज़्यादा भी गढ़ा है, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसे और हमें थोड़ा पतला करना है। तो हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर बार बार चलाते हुए इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि एक साथ सारा दूध डाल दिया तो ये ज़्यादा पतला हो जाएगा या ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और बैटर बनाने के साथ ही हमने अपने कुकर या कढ़ाई को जिसमें भी हमें केक बनाना है उसे प्री हीट होने के लिए रख दीजिए, क्योंकि जब हम लास्ट में इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालते हैं तो इसमें तुरंत से एयर बबल्स बनते हैं, खमीर उठती है, और उसके बाद हमें तुरंत से इसे बेक होने के लिए रखना होता है। उसके बाद हम इसे बाहर नहीं छोड़ सकते, वरना हमारा केक अच्छा स्पंजी नहीं बनेगा, नहीं फूलेगा। देखिए हमारा ये 1 टेबल स्पून के आसपास दूध बच गया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालूंगी और इसे तुरंत
जल्दी से यहाँ ये प्रोसेस हमें करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है 1 से 2 मिनट के अंदर। और इसको मैं मिक्स करके इसकी कंडीशन दिखाती हूँ कि इसकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए। बेटर कंडीशन हमेशा फ्लोइंग होनी चाहिए, बहती हुई कंडीशन में होनी चाहिए। ये ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना पतला। देखिए ये ऐसे हम इसे स्पैचुला से उठा रहे हैं तो कितनी इजीली ये गिर रहा है। अब इसके साथ ही हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और अब तुरंत हम केक मोल्ड को लेंगे, उसे फिर से एक बार ब्रश से ग्रीसिंग को फिर से मिला देंगे और उसमें अपने बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे। सारे बैटर को हम स्पैचुला से ही इकट्ठा करके ट्रांसफ़र करेंगे। इसे साइड से कहीं भी टिन पे ना लगाएं, केक मोल्ड पे ना लगाएं, तो वो एक्स्ट्रा जल जाता है। इसके बाद हम अपने मोल्ड को अच्छे से टैप करेंगे 5 से 6 बार ताकि उसमें जो भी एयर बबल्स कहीं हैं तो निकल जाए और केक चारों तरफ बराबर हो जाए। अब मेरी प्री हीटेड कढ़ाई में मैं इसे रख दूँगी और इसे 30 से 35 मिनट तक बेक करूँगी बिल्कुल स्लो टू फ्लेम पे। देखिए हमारा फ्लेम ऐसा है और इसे मैं 30 से 35 मिनट बेक करूँगी। ये मैं 30 से 35 मिनट बता रही हूँ लेकिन बेकिंग टाइम कभी कभी ना हमारे कढ़ाई हमारे कुकर के ऊपर भी बदल जाता है या गैस के टेम्परेचर के ऊपर हमने कैसा रखा। ये हमारी केक लगभग यहाँ 20 मिनट बेक हो चुकी थी, 15 से 20 मिनट बेक हो चुकी थी, तब मैंने यहाँ ऊपर से भी कुछ ड्राई फ्रूट्स और टूटी फूटी डाल दिया है जिससे ये ऊपर से भी देखने में बहुत खूबसूरत लगेगी। मैंने ये पहले नहीं डाला क्योंकि मैं पहले डालती तो ये अंदर बैठ जाते बैटर के साथ। ये जब थोड़े से फूल गए तब मैंने डाला ताकि ये ऊपर दिखे। और देखिए लगभग 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और हमारा ये केक बनकर तैयार है। और मैं आपको इसको टूथपिक से चेक करके भी दिखाती हूँ। देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल के आ रही है, मतलब हमारा केक बनकर तैयार है। और मैंने पहले ही बताया कि टेम्परेचर कभी कभी हमारे हीट और हमारे कढ़ाई के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैंने गैस को हटा दिया, उसका फ्लेम ऑफ कर दिया और हमारा ये केक बनकर तैयार है। मैं इसे अनमोल्ड करती हूँ और ये देखिए मैंने यहाँ से खोल के इसको साइड से हटाती हूँ, कहीं भी इसमें लगा हुआ नहीं है। कितने अच्छे से अनमोल्ड हो गया ना। इससे इसके नीचे वाले से भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। पहले मैं आपको अपना केक का दिखाती हूँ, कितना खूबसूरत कितना अच्छा फूला हुआ स्पंजी बनकर तैयार हुआ है और मॉइस्ट भी है। ऐसा नहीं है कि ड्राई ड्राई, इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं। इसे आप क्रिसमस पे या न्यू ईयर पे या ऐसे जब मन करे बच्चों के बर्थडे पे भी बना सकते हैं। घर की बनी हुई चीज़ों से बिल्कुल सिंपल सुंदर टेस्टी केक बनकर तैयार हुआ है और मिल्क पाउडर डालने से इसका टेस्ट और इन्हेंस हुआ है। बिल्कुल मार्केट के फ्रूट केक जैसे लगेगी, ब्रिटानिया केक जो हम खरीदते हैं वैसे इसका टेस्ट और टेक्सचर है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब मैं इसे अनमोल्ड करके दिखाती हूँ। मैं पीछे के इस केक को ठंडा होने देंगे। पहले पूरी तरह से मैंने इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, ठंडा होने के बाद मैंने अनमोल्ड किया। गर्म केक को अनमोल्ड करने पे टूट जाते हैं तो मैं इसे कभी भी गर्म केक को अनमोल्ड नहीं करती हूँ, उसे पूरी तरह से ठंडा होने देती हूँ। ये मैं 2 घंटे के बाद आपको दिखा रही हूँ और देखिए हमारा केक कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है और कितनी आसानी से अनमोल्ड हो गया। अब मैं इसे कट करके इसका अंदर का भी टेक्सचर दिखाती हूँ कि कितना फ्लफी कितना जालीदार कितना स्पंजी और मॉइस्ट बनकर तैयार हुआ है और अंदर भी आपको ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूट की आपको दिखेंगे। और ये देखिए केक हमारा कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है।